मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ग्रामेटिकल वर्क। बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मेक सेंटेंसेस। उसमें फ्रेजेस, इडियम्स और कुछ वर्ड्स ये होते हैं जिनमें सेंटेंस बनाने हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट किया तो वहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस थे हमने बनाए। अब हम प्रॉपरली ईडियम्स को भी कंटिन्यू करेंगे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईडियम्स क्या हैं, डेफिनेशन है उनके, आगे सेंटेंसेस हैं। ईडियम्स मीन मुहावरत, कोई बात जो हम मुहावरतन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा बाग बाग हो जाना या ईद का चांद हो जाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, मुहावरे हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश में हम इसको किस तरह से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन ईडियम इज़ अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट टिपिकली प्रेजेंट्स अ फिगरेटिव नॉन लिटरल मीनिंग अटैच टू द फ्रेज, बट सम फ्रेजेस बिकम्स फिगरेटिव ईडियम्स while retaining the literal meaning of the phrase, categorized as formalic language, an idiom's figurative meaning is different from that literal meaning. जो idioms का मतलब है, अगर हम उसके typical wording लेंगे तो word का translation या मतलब और होगा, और idioms के तौर पे जब हम यूज़ करेंगे तब उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वो जो वर्ड का मीनिंग है वो नहीं रहेगा, टोटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ, एट लास्ट, एज फॉर एज, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, एट अ ग्लैंस, एन एप्पल ऑफ वन साइज, अ बेड ऑफ रोजेस, अ बोर्ड ऑफ कंटेंशन, अ नियर मिस। ये कुछ idioms हैं, इनके आगे सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो आपने इनको एज इट इज़ ही कॉपीज़ में नोट करना है अपनी, और इनके सेंटेंसेस को आपने याद भी रखना है।